हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज का टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन और इसका आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे बैंक पीओ एग्जाम, आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम, एसएससी एग्जाम और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स के लिए। तो और ये टॉपिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। अ पर्सन हैज अ केमिकल ऑफ ₹25 पर लीटर। एक पर्सन के पास केमिकल है, एक लीटर की कीमत जो है 25 रुपीज है। इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्स्ड इन द केमिकल। अब किस रेशियो में वाटर मिक्स किया जाए उस केमिकल में, सो दैट आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर एट ₹20 पर लीटर। तो हमें वाटर कितना मिक्स किया जाए नहीं पता है, लेकिन मिक्स करने के बाद जब हम उसको सेल करते हैं उस मिक्सचर को, केमिकल और वाटर के मिक्सचर को, तो हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹20 पर लीटर। ही मे गेट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो अगर वो जो मिक्सचर है वो ₹20 पर लीटर में सेल कर रहा है, तो उसको 25% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आप ये चीज पहले पढ़ चुके हो। सबसे पहले देखिए 25% का मतलब होता है 25/100, मतलब 1/4। तो यहाँ पे 4 आपका क्या है, सीपी, और 1 का उसको फायदा हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस सीपी। प्रॉफिट 1 का हो रहा है, सीपी 4 है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 5 आ गया। और क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस की वो वैल्यू क्या दी हुई है, 20 रुपीज। इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू है 20 रुपीज। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20/5=4 रुपीज। ठीक है, अब हमें पता है कॉस्ट प्राइस हमारा 4 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू, ये 4 क्या है, एक्चुअली ये चीज रेशियो में है, ये 4 क्या है, ये 4 नंबर वो है जिस कॉस्ट पे वो उसको, मतलब जो मिक्सचर बनने के बाद जो उसकी कॉस्ट हुई, जैसे केमिकल की कॉस्ट थी ₹25, ऐसे यहाँ पे अभी ये 4 क्या है, ये 4 एक दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है। ठीक है, अभी हमें रुपीज में नहीं पता, तो 4 यूनिट की वैल्यू अगर हमें रुपीज में कन्वर्ट करनी होगी, तो 4 × 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो आ जाएगा 16 रुपीज। ठीक है, तो जो मिक्सचर बना, ठीक है, केमिकल और वाटर का, तो अब वो मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, 16। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, हमारे पास सारा डेटा मिल चुका है। सबसे पहले एलिगेशन लगा रहे हैं हम, 25 रुपीज का था क्या केमिकल। ठीक है, वाटर की क्वांटिटी हमको नहीं पता, तो हमने यहाँ लिख दिया 0। जब इन दोनों को मिक्स करा, ये कॉस्ट प्राइस है दोनों, जब मिक्स करा तो कॉस्ट प्राइस हमें मिल गई 16। तो एलिगेशन आप लगाने का क्या मेथड है, 16 में 0 माइनस करा 16 आ गया, 25 में 16 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4 ऐड करोगे 20, और यहाँ पे आ जाएगा 9। तो हमें जो रेशियो चाहिए था वो हमें मिल गया 16:9 का। क्वेश्चन अब पढ़िए फिर से, इन व्हाट रेशियो, ये क्वेश्चन पूछा गया, इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्स्ड इन दैट केमिकल सो दैट सेलिंग प्राइस ऑफ दैट मिक्सचर इज ₹20 पर लीटर। तो इसका मतलब क्या है, वाटर कितना मिलाया जाए, 9। अब देखो ये यूनिट में निकला है 16 और 9। ठीक है, ये हमको रेशियो मिल गया। अगर हमसे पूछा जाता कि वाटर की कीमत क्या है या केमिकल की कीमत क्या है, तो केमिकल की कीमत निकालने के लिए फिर से मल्टीप्लाई कर देते 1 यूनिट की वैल्यू से। ठीक है, तो लेकिन रेशियो पूछा है तो रेशियो हमने सीधे सीधे रेशियो बता दिया, 16:9। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन करिए इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 25 था, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले ये देखिए कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का। ठीक है, तो 20% का प्रॉफिट का मतलब 20/100, तो 1/5, तो 5 क्या है आपका, सीपी है, तो एसपी क्या है,
एसपी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस सीपी, तो 1 + 5 आ जाएगा आपका 6। ठीक है, तो एसपी आ गया 6 और एक 6 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 194.40। ठीक है, ये रुपीस में गिवन है वैल्यू, रुपीस में, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 194.40 बाई 6, तो क्या आ जाएगा 6 × 3 = 18, उसके बाद 6 × 2 = 12, फिर 4 × 4 = 32। ठीक है, तो 32.40 रुपीस ये मिल गया हमको 1 यूनिट की वैल्यू। तो अब देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस 192, पहले इन द रेशियो इन विच राइस कॉस्टिंग इज रुपीज 192, कॉस्ट प्राइस गिवन है, दूसरे राइस की कॉस्ट गिवन है 150, ये वाली हमने कॉस्ट प्राइस लिख ली, जब इन दोनों को मिक्स किया तो कितना आ गया 32.40। ठीक है, और ठीक है, तो इसमें भी हमको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो अब इसमें से ये माइनस करिए, इसमें से ये माइनस करिए, सबसे पहले 150 और ये वाला कीमत किसकी है, पहले वाले राइस की, तो R1 लिख लीजिए, ये दूसरी R। ठीक है, अब देखिए 150 में से क्वेश्चन हम पूरा पढ़ देते हैं, द रेशियो इन विच राइस कॉस्टिंग दिस पर केजी इज टू बी मिक्सड विद दिस पर केजी सो दैट द मिक्सड राइस व्हेन सोल्ड फॉर रुपीज दिस गिव अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 20%। तो 20% से ही हमने क्या निकाल लिया, 1 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, एक चीज और, 32.40 नहीं होगा, 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है 5, तो हम 5 की वैल्यू निकालेंगे, तो 5 की वैल्यू क्या कैसे निकलेगी, 5 में 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ये था ना कॉस्ट प्राइस मिक्स वाले का 5 था, तो 5 × 32.40, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20, फिर 2 × 11 = 2 × 15 और 16, तो हमारा निकल आया 162। ठीक है, तो 162 रुपीस हमारा निकल आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 162 मिक्स वाले का, जब हमने R1 और R2 को मिक्स कर दिया तब हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था 162। अब आप माइनस करो, 162 में 150 माइनस करो तो क्या आ जाएगा 12, और 192 में से 162 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 30। अब इसको काट दो, 3 × 4 = 12 और तो 4 ratio 10 का आ गया, फिर से 2 से काट दीजिए, 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = 10, तो हमारा रेशियो निकल आया R1 और R2 का, मतलब पहले वाले राइस और दूसरे वाले राइस का रेशियो निकल आया 2:5। और ये कौन सा रेशियो, ये रेशियो है जब दोनों राइस को मिक्स करके अगर सेलर को 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो रेशियो क्या होना चाहिए, तो रेशियो होना चाहिए 2:5 का, मतलब जिस वाले राइस की कीमत रुपीज 192 है वो 2 यूनिट होनी चाहिए उसकी, और जिस राइस की कीमत 150 है उसकी 5 यूनिट होनी चाहिए। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।